भाई वन एंड ओनली हमारा इमरान खान। एक से बड़ा एक चोर आया है, खान के अलावा तो कोई बात नहीं है ना सर। हाँ, सबको आजमा लिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम मौजूद है कराची सदर बाजार में मौजूद है और यहाँ की आवाम की राय सुनाएंगे कि किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी क्या राय है। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन की आमद है तो फिर किससे वोट करने जा रहे हो? इंशाल्लाह इमरान खान। इमरान खान, आप किससे वोट करने जा रहे हैं? इमरान खान को। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे दोस्त? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। इलेक्शन की आमद है, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आप किससे वोट कर रहे हो? इंशाल्लाह इमरान खान को, और इंशाल्लाह हम चाहते हैं वही है, पाकिस्तान में वही सुधार ला सकता है, बाकी सबको हमने टेस्ट कर लिया है। इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, तो आप किससे फिर वोट करोगे इंशाल्लाह? यार क्या कहें, कोई समझ में नहीं आती, सारे हमारे जैसे चोर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दाऊद भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुने सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, तो फिर आप किससे वोट करोगे? वोट का तो मुश्किल लगता है मुझे, तो किसको वोट देंगे बताएं आप? नंबर बता दो। MQM पाकिस्तान से लगाइए। MQM पाकिस्तान जी। थैंक यू। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे, तो फिर आप किससे वोट करने वाले? वोट नहीं भाई, किसी को भी नहीं डालना भाई। इलेक्शन इमरान खान। इमरान खान, क्या किससे वोट करोगे? मैं तो यार इमरान खान को वोट दूंगा। चले थैंक यू। वोट कर रहे हो? वोट तो देखेंगे इलाके में कौन सा कैंडिडेट है, कैसा है, उसी को देंगे। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आप किसे फिर वोट कर रहे हो? जो मुल्क के लिए सही होगा उसको वोट करेंगे। तो फिर कौन आपके ख्याल में सही, आप जैसे पढ़े लिखे लोग की नज़र तो ऐसे है? इमरान खान जिंदाबाद। ऐसे तो इलेक्शन नहीं होना चाहिए, मुल्क पहले खसारे में है, कर्जे में है, क्या जमहूरियत, क्या इलेक्शन, ठीक है? सदारती निज़ाम होना चाहिए। सदारती निज़ाम भी नहीं होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। वैसे भी आर्मी को बदनाम किया, एक आर्मी तो है हमारा इदारा जो सब कुछ है, जिसकी वजह से इज्जत है इस मुल्क की। मुल्क को उन्होंने सरहदों से भी बचाया हुआ है, दुश्मनों से भी बचाया हुआ है, और बस पिछली हुकूमतों में कुछ गद्दार लोग आ गए थे, उन लोगों ने कहा कि आर्मी बुरी है, आर्मी के तहत कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाक फौज जिंदाबाद। मैं तो कह रहा हूँ इस मुल्क में इन लोगों के लिए तो जो मेरे फिर मार्शल लॉ को तो कोई सपोर्ट नहीं करता पाकिस्तान में, वो सपोर्ट नहीं करता है। अभी मिनी मार्शल लॉ कह रहे हैं ना ये लोग, अभी तो कह रहे हैं कि आर्मी लगी हुई है। तो मेरा तो मशवरा यही है कि मुसलत इस मुल्क में हमारे मेरे समेत ये जो सारे लोग हैं ना, इन लोगों के लिए आर्मी बेहतर है। आर्मी के होते हुए ठीक होंगे लोग, कोई क्या जमहूरियत मुझे बताएं कैसे हुई है। बाकी उसने मैशियत को और कारोबार का बड़ा अच्छा कंट्रोल करके रखा था। इलेक्शन होने जा रहे, तो आप किसे वोट करने वाले? मैं जो ना माशाल्लाह से अपनी कौम के लिए बड़ी खिदमत कर रहे हैं, माशाल्लाह से ना जबरदस्त। अस्सलाम, आप किसे फिर वोट करने वाले हो? वैसे तो हम तो इमरान खान के सपोर्टर हैं यार। वसलाम सर, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार वगैरह कैसे चल रहा है? बस शुक्र है, कारोबार तो बहुत कम है पहले की नस्बत से, अभी वो कारोबार नहीं रहा जिससे पहले होता था। इलेक्शन की आमद है, तो फिर आप किसे वोट करने जा रहे हो 8 फरवरी को? यार वोट किसको दें, किसी पे जिस पे भरोसा करो तो सारे सारे एक के एक से बढ़कर एक चोर है। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हो, तो आप किसे वोट करने जा रहे? PTI को। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे, तो आप किसे वोट करोगे इंशाल्लाह? अभी देखेंगे, अभी फरवरी तो दूर है। वैसे सोचा तो होगा कोई लीडर जो आपके समझ में, देखते हैं कोई नया खड़ा होगा तो इंशाल्लाह उसको देंगे, सबको तो आजमा चुके हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे, तो फिर आप किससे वोट करने वाले हो? मैं इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक का वोट करूंगा। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे, तो फिर आप किससे वोट करोगे? हम वोट इंशाल्लाह अपने वालिद साहब वालदा को देंगे, क्योंकि वो हमें खिला रहे पिला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन होने जा रहे, तो आप किससे फिर वोट करोगे? सर मेरा कभी वोट आता है कभी आता ही नहीं। अगर आ जाते तो फिर आप किससे वोट करते हो? इमरान खान। इमरान खान फिर वोट कर रहे हो? इंशाल्लाह अगर जिंदगी हो ना, हमें इमरान खान को PTI को वोट देगा। इलेक्शन होने जा रहे, तो आप किससे वोट करने वाले हो? इंशाल्लाह तब का तब देखेंगे, अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं किया कि किसको करना है मुखातिब। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे, तो फिर आप किससे वोट करने वाले? इमरान खान। क्या ऐसी वजह? सही है, वो अच्छा है मुल्क के लिए, पढ़ा लिखा अच्छा मैच्योर आदमी है भाई। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे, तो फिर आप किससे वोट करने वाले? हम वोट इमरान खान को देंगे। उसकी क्या ऐसी खास वजह है? ये तो आप भी समझते हैं कि आपको को ढका हुआ चेपुआ हुआ बात थोड़ी है, आपको मालूमात नहीं, आपको भी मालूमात है। आठ फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे, तो आप किसे वोट कर रहे हो? इमरान खान तो आपको और किसी को थोड़ी दे सकते हैं। शुक्रिया जी। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे, तो फिर आप किसे वोट करने वाले हो? मैं किसी को भी वोट नहीं दूंगा। किसे वोट करने वाले हो? मेरा वोट खान साहब का है भाई। आपका वोट? इंशाल्लाह बिलावल अगरा वजीर आजम पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह। ओके जी, आप किसे वोट करने वाले? नवाज शरीफ। गुड। PTI को करेंगे, PTI को और किसको करेंगे?
पीटीआई से वोट करने वाले हो? देखते हैं। आप किसे वोट करने वाले हो? पीटीआई। कोई इलेक्शन होने जा रहे हैं तो फिर आप किसे वोट करने वाले हो? अच्छे लोगों को ही वोट देंगे यार। जा रहे हैं तो फिर आप किसे वोट कर रहे हो? पीटीआई। थैंक यू जी। किसे वोट करने वाले हो? पीटीआई। थैंक यू जी। किसी को भी दे देंगे, किसी को भी। आप किसे वोट करने वाले हो? इमरान खान को। ना भाई को देंगे इंशाल्लाह। किसे वोट करने वाले हो? भाई वन एंड ओनली हमारा इमरान खान। इमरान खान। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप किसे वोट कर रहे हैं? इमरान खान। आप किसे वोट करने जा रहे हैं? खान साहब को भाई। आप किसे वोट करने जा रहे हैं? या कना वुदू या कना सईन। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप किसे वोट करने जा रहे हैं? खान साहब। आप किसे वोट करने जा रहे हैं? खान साहब। आप? खान साहब। इमरान खान। इमरान। आप? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। इमरान खान। इमरान खान। ऐसी क्या वजह है भाई? कुछ इसने अच्छे भी काम किए थे ना यार। हाँ, कोई इलेक्शन होने जा रहा है तो आप किसे वोट करने जा रहे हैं? किसी को भी नहीं। एमकेएम पाकिस्तान को। आप किसे? पीटीआई। आप किसे वोट? एमकेएम पाकिस्तान इंशाल्लाह कराची में विन करेगी इंशाल्लाह। कोई इलेक्शन होने जा रहा है तो आप किसे वोट कर रहे हैं? एमकेएम पाकिस्तान। आप किसे वोट कर रहे हैं? एमकेएम। एमकेएम। इलेक्शन होने जा रहा है तो आप किसे वोट कर रहे हैं? टीएलपी को। आप किसे वोट कर रहे हैं? सेम टीएलपी। टीएलपी। क्या बात है, क्या बात है। पीटीआई। सर आप किसे वोट कर रहे हैं? टीएलपी। सर आप किसे वोट कर रहे हैं? एमकेएम। टीएलपी। टीएलपी है जी। 8 फरवरी को होंगे ही नहीं इलेक्शन, लेट हो जाएंगे थोड़ा, लेकिन अब शेड्यूल अनाउंस हो गया। अच्छा, आप पक्का कंफर्म? भाई इंशाल्लाह ताला देंगे, इमरान खान को वोट देंगे इंशाल्लाह। इमरान खान को। फिर आप किसे वोट करने वाले? टीएलपी। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, फिर आप किसे वोट करने वाले? एक ही हमारा खान साहब। खान के अलावा तो कोई बात नहीं है ना सर। हाँ, सबको आजमा लिया। हाँ, एक से बड़ा एक चोर आया है, कोई कम नहीं है। इलेक्शन होगा तो इमरान खान को ही देंगे, और किसको देंगे? अव्वल तो होगा नहीं 8 फरवरी को इलेक्शन, भाई इमरान खान को दे देंगे। इमरान खान। इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप किसे वोट कर रहे हैं? इमरान खान। थैंक यू जी। आप किसे वोट कर रहे हैं? इमरान खान की तरह खड़े हैं, वो भी चट्टान की तरह खड़े हैं, फुल सपोर्ट करेंगे भाई उसको। इमरान खान जिंदाबाद, दलेर बंदा, नर बंदा। शुक्रिया। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, आप किसे फिर वोट कर रहे हैं? इमरान खान, और किसी को नहीं देना, सिर्फ खान साहब। आप किसे वोट कर रहे? खान साहब भाई, खान साहब। हम तो अभी सोच रहे हैं कि किसको वोट करें, कि जो भी हुकूमत आई हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है हुकूमत के आने से। तो फिर आप किसे वोट कर रहे हैं? हम तो वैसे इमरान खान को, पीटीआई को ही वोट करेंगे। वोट करने वाले इमरान खान। आप? इमरान खान। चलिए, आप किसे वोट करने वाले? इमरान खान। इमरान खान। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप किसे वोट करने वाले? या कना बुदू या कना सईन। क्या बात है। नाम करने वाले? टीएलपी। टीएलपी। आप किसे वोट करने वाले? इमरान खान को। इमरान खान। आप किसे वोट करोगे? जो हकदार होगा उसी को वोट देंगे। हकदार आपकी नजर में कौन है इस टाइम? इमरान खान। आप किसे वोट करने वाले हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है, एक ही बंदा और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इमरान खान। इमरान खान। शुक्रिया। वोट करने वाले? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। वोट करने वाले? मैं नवाज शरीफ साहब को। आप किसे वोट करने वाले? इस दफा किसी को नहीं यार, मैं पीपल पार्टी को। व्यूअर्स, आपने देख ली सदर की आवाम की क्या राय थी और किस तरह की सोच उन रखने वाले थे? अभी तक जो हमने ऑब्जर्व किया, पाकिस्तान तरीके साहब सबसे टॉप पर है, उसके बाद टीएलपी की है और उसके बाद एमक्यूएम और बाकी अदर पार्टी काम कर रही है। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।